टेंथ क्लास की तैयारी करते हुए बच्चे, कल इनका सुबह पेपर है और आज ये अंतिम तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की। तो कुछ बच्चों से मैं क्वेश्चन करती हूँ, इनका इस बारे में क्या अनुभव है, कैसा फील कर रहे हैं पेपर के लिए? सोनी साके, कैसा फील हो रहा है, कल सुबह पेपर है आपका? अच्छा, सुमित एकदम बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ये चोट कैसे लग गई, कल तुम्हारा पेपर है, चोट लग गई तुमको? अच्छा चलो, आई होप भगवान जल्दी इनको सही कर दे और इनका पेपर अच्छा हो। हाँ गुलशन, तैयारी कैसी चल रही है? अच्छा चलो ओके, बच्चे खुश हैं, इनकी तैयारी अच्छी चल रही है। सची, किस डिवीजन की तैयारी हो रही है? फर्स्ट की तैयारी हो रही है। राधा, कौन सा डिवीजन लाना चाहोगी इस बार एग्ज़ाम में? फर्स्ट। अंकित, तैयारी ठीक चल रही है? अच्छा। करिश्मा, निशा 12th क्लास में है। निशा क्या लिख रही हो? अच्छा, देखिए राइटिंग कैसी है, एक मिनट दिखाना, राइटिंग तो अच्छी है। चलो ओके, तैयारी सही चल रही है? अच्छा। हाँ, अब आयत, कैसी चल रही पढ़ाई? अच्छी। पेपरों की तैयारी ठीक चल रही है? अच्छा, कैसी चल रही तुलसी तैयारी? मस्त चल रही मैम। अच्छा, कल सुबह तैयार हो एग्ज़ाम देने के लिए? रेडी मैम। अच्छा, इधर देख के आंसर दो। अच्छा, टेंथ क्लास किस डिवीज़न में पास करना चाहोगी? अच्छा, जैसे टेंथ पास है, इसके बाद फिर आगे चल के व्हाट डू यू वांट बीकम इन योर लाइफ, क्या बनना चाहोगी लाइफ में? यूपीएससी की तैयारी करना। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी तैयारी करना है और यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी श्योर, इसी तरीके से लगे रहो, टू बी कंटिन्यू। रिशु, कल सुबह 10th क्लास के पेपर हैं, कैसी तैयारी चल रही है? जहर, हम तो रात भर पढ़ी। अच्छा, जहर तैयारी चल रही है, पूरी रात पढ़ाई की है? पूरी रात, तभी हमें नींद आ रही है। अच्छा, कौन सा डिवीजन चाहिए 10th क्लास में? फर्स्ट है। फर्स्ट है, अच्छा। प्रीति, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छा, क्या बनना है बड़े होकर तुमको? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, अच्छा। आगे और भी पढ़ाई जारी रखोगी 10th क्लास के बाद? हाँ रखेंगी। हाँ, अच्छा, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है तुम्हारा? इंग्लिश। इंग्लिश है, हाँ, डॉक्टर बनने के लिए इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, 10th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट चाहिए तुमको? वो सब्जेक्ट मतलब नई डिवीज़न कौन सा चाहिए? फर्स्ट डिवीज़न चाहिए। अच्छा रविता, डिवीज़न तुम्हारा कौन सा रहेगा? डिवीज़न कौन सा चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? फर्स्ट चाहिए। कितने नंबरों की उम्मीद कर रखी है, कितने नंबर आने चाहिए पेपर में? 450। अच्छा, हाँ, क्या लिख रही हो मीरा? काम कर रहे पेपर को। अच्छा, क्या हिंदी की तैयारी है? हिंदी में क्या है? पर्यायवाची है। तो हिंदी ग्रामर की तैयारी कैसी है तुम्हारी? अच्छी है मैम। अच्छी है, चलो, तो पूरी तैयारी कर रखी कल सुबह पेपर देने के लिए? यस। अच्छा, वेरी गुड। हाँ शिवानी, कैसी तैयारी चल रही है तुम्हारी? मैम ठीक चल रही है। अच्छा, इस कोचिंग से तुम्हारा गांव कितनी किलोमीटर दूर है? यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर। 3 किलोमीटर दूर है, डेली आना जाना, अप डाउन करना। अच्छा सोनी, तुम्हारा गांव कितनी दूर है? 8 किलोमीटर है। बताओ ये बच्चे इतनी दूर से पढ़ने के लिए आते हैं, 8 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कितनी मेहनत कर रहे हैं। तैयारी कैसी चल रही सोनी? अच्छा अर्चना, तुम्हारी तैयारी कैसी है? ठीक है, ठीक है, खूब प्रैक्टिस करो, कल का पेपर बहुत अच्छे से दो। प्रीति, तुम्हारे गांव की दूरी कितनी है इस कोचिंग से? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है, अच्छा ओके। इतना मतलब साइकिल चला के आना और जाना है ना? यस मैम। काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पड़ जाता है। बताओ स्टूडेंट इतनी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, तभी तो कहते हैं जितने भी आज तक दुनिया में जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं
मोस्टली ज़्यादातर गांव के ही लोग हुआ करते थे। तो जब गांव के लोग इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं तो इनको तो अच्छे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ये 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट सेकेंड बैच के हैं जो दोपहर में पढ़ते हैं। इनसे मैं कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ। तो नीतेश तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छा अबाउट आप कितने नंबर लगभग चाहिए, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट चाहिए। फर्स्ट में कितने नंबर की उम्मीद कर रखी है? 480। अच्छा ओके वेरी गुड, 85% अबाउट आप। अच्छा और कुणालिका ट्वेल्थ क्लास में कैसी तैयारी चल रही है तुम्हारी? अच्छी चल रही है। डिवीज़न कौन सा चाहिए? फर्स्ट चाहिए। अच्छा व्हाट डू यू वांट टू बिकम, मतलब पढ़ने के बाद क्या बनना चाहती हो, कुछ सोचा है? हाँ बता। सुना ही नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा ओके एडवोकेट कोर्स। आरजू तुमने कुछ सोचा है टेंथ करने के बाद क्या बनना है? टेंथ करने के बाद अभी आगे और पढ़ना पड़ेगा ठीक है, लेकिन वैसे क्या सोचा है, कुछ सोचा है आरजू क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। वेरी गुड वेरी गुड। सनोज कैसी तैयारी चल रही है? आज लास्ट दिन है एग्जाम की तैयारी करते हुए 10th क्लास के स्टूडेंट्स। हाँ शीतल कैसी तैयारी चल रही है? अच्छा सुबह कौन सा पेपर है आपका? हिंदी का पेपर है। कौन सी क्लास है? 10th क्लास है। गांव का क्या नाम है? यहाँ से कितनी दूर पड़ जाते हैं गांव? 5 किलोमीटर। डेली अप डाउन करना है। कैसे आती हो? साइकिल से। पेपर की तैयारी अच्छी चल रही है। अबाउट आप कितना सोचा है कितने नंबर आने चाहिए एग्ज़ाम में? 480। वेरी गुड, 85% अप, वेरी गुड। अच्छा क्या कुछ सोचा है क्या बनना है पढ़ाई करने के बाद, इतनी मेहनत कर रहे हो आते जाते हो इतनी दूर से? अभी कुछ नहीं सोचा है। हाँ जिंदगी में एक मकसद होना चाहिए ना, इसके बाद फिर आगे बढ़ा जाता है तो वो बात अलग पड़ जाती है। कहीं जा रहे हो आप, जा रहे हो लेकिन यही नहीं पता जाना कहाँ है तो भी सही नहीं रहता है ना। तो कुछ सोचो कि क्या करना है लाइफ में ठीक। 85% नंबर किस पर्पज़ के लिए लाने हैं? हाँ क्या लिख रही मोहिनी? अच्छा क्या लिख रही हो? इंग्लिश की। अच्छा ट्रांसलेशन कर रही हो। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा कौन सी क्लास है? 9th क्लास है। बहुत अच्छा। 10th की तैयारी अभी से शुरू हो गई? अच्छा ओके। अच्छा और कोई बताएगा कुछ, किसी को डर लग रहा है कल के पेपर के लिए? किसी का डर नहीं है। किसी का डर नहीं है? शीतल डर तो नहीं लग रहा है कल पेपर होने वाला है? आज डर के ने अगुआ ना आए वहाँ पे, एक साल इंतजार कर रहे हैं, एक साल से इंतजार कर रहे हैं पेपर का। अच्छा अच्छा आज काफी स्टूडेंट दिन आएंगे यार। अच्छा काफ़ी स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो डर रहे होंगे पेपर के लिए, और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुल प्रूफ तैयारी में आज भी लगे हुए हैं। कहते हैं अंतिम समय तक तैयारी करते रहो, वही असली योद्धा होता है। ये नहीं कि साल भर पहले तैयारी कर ली और आराम से बैठ गए तैयारी कर। करिश्मा करिश्मा बहुत खुश हैं कल के पेपर के लिए।